हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केयर आइडियाज़ पर। आज हम लोग अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं चिली सॉस। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि चिली सॉस बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मिर्च ली है, जो कि दो तरह की ली हैं। ये ज़्यादा तीखी है और ये वाली जो लंबी ली हैं ये कम तीखी वाली हैं। इसके साथ ही मैंने 250 ग्राम ही आलू लिए हैं, एक अदरक का टुकड़ा लिया है और 8-10 लहसुन की पोथियाँ ली हैं जो पतली पतली है। इसके साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून खड़ा धनिया लिया है और नमक स्वाद अनुसार लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आलू को छील कर छोटे छोटे पीसेस में, एकदम पतले पीसेस में कट कर लेते हैं। तो चलिए इनको हम सबसे पहले छीलते हैं। आलू छील कर मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, साथ ही हरी मिर्च को भी मैंने पीस में कट कर लिया है। अब हम लोग गैस पर चढ़ाते हैं एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालते हैं पानी। चलिए, मैंने गैस पर चढ़ा दी है एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम लोग इसके लिए डालेंगे 4 ग्लास पानी, लगभग 1 लीटर पानी है। पानी हम लोगों ने डाल दिया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे जो हम लोगों ने पोटैटो लिए हैं, वो हम लोग इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही हम लोग इसमें डाल देंगे नमक, स्वाद अनुसार डालना है। और इसके साथ ही इसमें डालना है 1 चम्मच चीनी, चीनी भी हम लोग डाल देंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने जो 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है वो भी हम लोग इसमें डाल देंगे, और जो लहसुन की कलियां ली थी 8-10 पतली वाली वो भी डाल देंगे, और अदरक का जो हम लोगों ने पीस लिया था उसको छोटे पीसेस में कट करके उसको भी हम लोग डाल देंगे। इसके साथ ही जो हरी मिर्च ली है वो भी हम लोग इसमें डालेंगे। और अब हम लोग इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर ढककर इसको आलू पकने का हम लोग वेट करेंगे। इसको पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं और आलू हम लोगों का ये बिल्कुल पक गया है, सॉफ्ट हो गया है, और हरी मिर्च जो हम लोगों ने ली थी उसका भी कलर देखिए चेंज हो गया है। अब हम लोग गैस को करेंगे बंद और 10 से 15 मिनट के लिए हम लोग इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए इसको ठंडा होने का हम वेट करते हैं। अभी ये जब तक ठंडा हो रहा है उसके बीच में हम लोगों ने लिया है आधी कटोरी से कम विनेगर, इसको डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम लोग इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए ये ठंडा हो गया है। अब हम लोग इसे मिक्सी के जार में डालकर फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग पीसते हैं। लीजिए, चिली सॉस हम लोगों का रेडी हो गया है। अब हम लोग इसको छन्नी में डालकर इसको एक बार छान लेंगे, यदि कुछ बिना पिसा रह गया होगा तो वो निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग छानते हैं। लीजिए, कढ़ाई हम लोगों ने चढ़ा ली है और अब हम इसी में छान लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इसे 5 मिनट पकाना भी है। इसको छानेंगे, देखिए एकदम पतला पतला निकल रहा है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल है, घर में बना है, इसमें कोई भी
ऐसी चीज़ नहीं डाली गई है जो कि हम लोगों की हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। इसको आप बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसमें ग्रीन फूड कलर मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ ग्रीन फूड कलर यूज़ नहीं करूँगी, इससे ये कलर और अच्छा आ जाएगा यदि आप चाहें तो। देखिए ये छन गया है। अब हम लोग इसमें जो हम लोगों ने इसका पानी थोड़ा बचा कर रखा था वो भी डालकर इसको और अच्छे से कर लेते हैं। और फिर हम लोग 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर करके इसको थोड़ा सा पका लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी भी अभी एकदम परफेक्ट है। देखिए तो इसमें थोड़ा पानी डालकर छन्नी में हम लोग इसको एक बार और छान लेते हैं। और फिर जो भी बचा है इसको एक बार फिर से हम लोग मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं। लीजिए पानी हमने डाल के जो बचा था छन्नी के ऊपर वो भी पीस के हम लोगों ने इसमें डाल दिया है। अब हम लोग इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा और ये जो हम लोगों ने बाहर निकाला था उससे इसमें अगर कुछ आ गया होगा तो क्योंकि हम लोगों को इसे प्रिजर्व करके रखना है तो इसके लिए भी ये सेफ हो जाएगा फिर से। तो चलिए इसको 5 मिनट हम लोग मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं। 5 मिनट ये पक गया है। गैस हमने कर दी है बंद। अब हम लोग इसको 15 से 20 मिनट ठंडा करेंगे, फिर इसको हम लोग एक बाउल में सर्व करेंगे। तो चलिए इसके ठंडा होने का हम लोग वेट करते हैं। परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है, देखिए। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने बाउल में और एक जार में रख लिया है स्टोर करके। आप चाहें तो इसको महीने भर फ्रिज में रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं जब चाहें। आशा करती हूँ आज के चिली सॉस की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताइए और मेरे आने वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें इसके लिए आप बेल आइकन को करिए प्रेस। थैंक यू।